भिलाई पद्मशाली तेलुगु समाज द्वारा प्रतिवर्ष मनाए जाने वाला पर्व बतुकम्मा उत्सव हर्षोल्लास के साथ शनिवार को सेक्टर 4 में मनाया गया। ये पर्व विगत 35 वर्षों से लगातार मनाया जा रहा है। बतुकम्मा महोत्सव मुख्य रूप से तेलंगाना प्रदेश का राजकीय त्योहार है और विशेष रूप से ये पद्मशाली तेलुगु समाज के द्वारा इसे मनाया जाता है। बतुकम्मा माता को माँ गौरी का स्वरूप माना जाता है और ऐसी मान्यता है कि माता बतुकम्मा की पूजा आराधना सच्चे मन से करने से घर में सुख शांति और पूरे परिवार को आरोग्य मिलता है। इसी परंपरा को भिलाई शहर में रहने वाले पद्मशाली समाज के लोग लगभग 35 सालों से निभा रहे हैं। इस वर्ष भी पूरे हर्षोल्लास के साथ बतुकम्मा उत्सव मनाया गया। समाज की महिलाओं ने परंपरा अनुसार बड़े थाल में शिवलिंग का आकार 7 परतों में विभिन्न प्रकार के फूलों का उपयोग कर बनाया। यह पर्व अमावस्या तिथि से प्रारंभ होकर 7 दिनों में समाप्त होता है। प्रतिदिन फूलों को अलग अलग तरह से सजाया जाता है। प्रतिदिन सजाए जाने वाले बतुकम्मा माता को जल में विसर्जित किया जाता है। शनिवार को हुए इस आयोजन में भिलाई नगर विधायक देवेंद्र यादव और सेक्टर 4 के पार्षद राजेश चौधरी शामिल हुए। विधायक देवेंद्र यादव ने महिलाओं के आग्रह पर इस उत्सव को मनाते हुए पारंपरिक नृत्य में हिस्सा लिया। बतुकम्मा महोत्सव मनाने के लिए पहुंचे मुख्य अतिथि एवं गणमान्यों ने इस पर्व को लेकर अपने विचार व्यक्त किए और बतुकम्मा उत्सव की शहरवासियों को शुभकामनाएं भी दी। साथ ही कार्यक्रम का आयोजन करने वाले आयोजकों ने कार्यक्रम की जानकारी मीडिया से साझा की। बतुकम्मा पूजा के अवसर पर, शुभ अवसर पर आज यहाँ समाज के सभी सम्मानित जनों के साथ पूजा अर्चना में शामिल होने का अवसर मिला है। निश्चित रूप से भिलाई जो एक मिनी भारत का स्वरूप रखता है, वो मिनी भारत का स्वरूप इस आयोजन में आकर दिखता है कि बहुत ही मेहनत से बहनों ने, माताओं ने फूलों से पूरा इस प्रांगण को सजाया है और जो अपनी पूजा अर्चना करने के लिए जिस तरीके से भी जो हमारे तेलंगाना के लोग हैं उनकी जो नियम है उस नियम से पूरी यहाँ पे पूजा हो रही है, देखने में बड़ा आनंद आ रहा है। और मैं सभी लोगों को शुभकामनाएं भी दूंगा और माता जी से ये प्रार्थना करूंगा कि उनका आशीर्वाद हम सब लोगों के ऊपर बने। नमस्कार, मैं सुरेखा संजय मदनाल, भिलाई पद्मशाली समाज की एक साधारण सदस्य और आज के बतुकम्मा महोत्सव में संचालक की भूमिका में आप सभी के सम्मुख प्रस्तुत हूँ। आप सभी को नमस्कार और हृदय से बतुकम्मा पंडाल महोत्सव में आप सभी का स्वागत है। बतुकम्मा का त्यौहार जो है वो तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों में विगत 1000 वर्षों से मनाया जाता है। इसका इतिहास लगभग 10 शतकों का पुराना है। इसमें माँ गौरी की आराधना की जाती है और विभिन्न तरह के फूलों से जो कि अपना औषधीय गुण रखते हैं, जिनका हमारे जीवन में बहुत महत्व है। क्योंकि आप जानते हैं आयुर्वेद भारत की प्राचीन परंपरा है, तो उन्हीं आयुर्वेदिक फूलों के जरिए हम अपने स्वास्थ्य के लिए फूलों की इस परतों को इस 7 लेयर में जमाते हैं, इस तरह से कि वो एक गोपुरम मंदिर की आकृति ले सके और उस मंदिर के शिखर पर माँ भगवती या आशुतोष भगवान शिव की लिंग के रूप में स्थापना की जाती है। 9 दिनों तक यह पूजन चलता है। पितृमोक्ष अमावस्या से ये शुरू होता है और नवमी के दिन इसका जल में विसर्जन किया जाता है, या तो बहती नदी में या फिर किसी बड़े तालाब में।
कुंवारी लड़कियां तो इसमें बहुत उत्साह से भाग लेती हैं और विवाहित महिलाएं भी इन दिनों मायके में आकर देवी की आराधना में सबके साथ सम्मिलित होती हैं और अगर वो ससुराल में हैं तो वहां पर भी बड़ी धूमधाम के साथ में इस उत्सव को मनाया जाता है। एक लोक नृत्य है जिसके जरिए ताली और हाथ के तालमेल से माँ की आराधना की जाती है। आप इसकी तुलना गुजरात के गरबा के साथ कर सकते हैं कि यह लगभग मिलता जुलता है। दक्षिण में इसे कोट्टीकोलाटम कहा जाता है और उत्तर भारत में गुजरात के एरिया में इसे गरबा कहा जाता है। विगत दो वर्ष कोरोना काल रहा, ऐसे कार्यक्रम को भी आयोजित नहीं हो पाए, इस वर्ष दो वर्ष के इंतजार के बाद इस वर्ष हो रहा है, क्या कामनाएं हैं आप लोगों की? जी हाँ, सभी जानते हैं पिछले दो वर्ष बेहद नैराश्य में गुजरे, बहुत अवसाद में रहा। प्रतीकात्मक रूप से हम लोगों ने माँ की आराधना की थी और हमारे समाज में सभी से अनुरोध किया था कि कृपया, एकत्र तो हम नहीं हो सकते हैं, जमावड़ा प्रतिबंधित है स्वास्थ्यगत कारणों से, तो सभी लोगों ने अपने घर में गोपुरम बनाया था और वहाँ पर पूजा की थी और व्यक्तिगत तौर पर अपनी अपनी आराधना की थी। सामाजिक तौर पर इस साल इसका महत्व इसलिए ज़्यादा है कि दो वर्षों के उपरांत हम जमा हो रहे हैं, तो उत्साह और ऊर्जा तो आप देख ही रहे हैं। जिस तरह से हमारी महिलाएं अपने सांस्कृतिक समृद्धि के साथ में पारंपरिक परिधान में यहाँ पर उपस्थित हैं, आप उनके उत्साह की कल्पना कर ही सकते हैं। बेहद खूबसूरत होता है दक्षिण की संस्कृति और उसकी सज धज आप जानते ही हैं, चमकदार और खुशियों से दमकते हुए चेहरे, वो सभी आप यहाँ इस मंडप में देख ही रहे हैं। मेरे को मोहन राव, भिलाई पद्मशाली समाज का उपाध्यक्ष हूँ। ये हमारा बतकम्मा पूजा बहुत हर्षोल्लास से हमेशा हमेशा बनाया जाता है और इस पूजा के लिए हम बाहर से गेस्ट को बुलाए जाते हैं, धमतरी से, नांदगांव से, अलग अलग जगह से, रायपुर से, सभी जगह से लोग आके इसका आनंद लेते हैं। ये पूजा बहुत ज़्यादा हर्षोल्लास से मनाया जाता है। ये महोत्सव जो मनाया जा रहा है बतकम्मा महोत्सव, इसका उद्देश्य क्या रहता है? इसका उद्देश्य ये कि गौरी माँ का पूजा है, ये जैसे कि दुर्गा माँ का पूजा करते हैं, वैसे हम लोग साउथ वाले जो है नवरात्रि का गौरी माँ का पूजा करते हैं, बतकम्मा का पूजा है। ये नवरात्रि जो है 9 दिन का रहता है, ये हमारा पूजा जो है 7 दिन का रहता है। क्योंकि बतकम्मा पूजा शिव जी का एक आराधना का दूसरा रूप है। तेलंगाना साइड में, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में भव्य रूप से इनको मनाया जाता है। तेलुगु इस माता को पूजा करने से अपने सुख समृद्धि, अपने परिवार के लिए उज्जवल भविष्य के लिए सभी कामना करते हैं और पूरा आशा रखते हैं कि पूरे तेलुगु समाज, पूरे और अन्य अपने आसपास समाज और पूरे परिवार को उज्जवल भविष्य के लिए कामना करते हैं। इस वर्ष इस उत्सव को मनाने के लिए दुर्ग, भिलाई के अलावा अन्य जिलों से भी पद्मशाली तेलुगु समाज के लोगों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट।